90% रद्द होगा आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला दूसरा T20 मैच, दिल तोड़कर रख देगा लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि रिंकू और सूर्या में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज। दोस्तों इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अब दोनों टीमें दूसरे T20 मैच में आज 12 दिसंबर को गा के बेहरा के सेंट जॉर्ज पार्क में आमने सामने होंगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम T20 सीरीज खेल रही है, वहीं साउथ अफ्रीका की कप्तानी एडन मार्करम कर रहे हैं। दूसरे मैच को लेकर लेटेस्ट मौसम रिपोर्ट डराने वाली है, फैंस इस अपडेट को जानकर मायूस हो सकते हैं। दरअसल गा के बेहरा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेले जाने वाला भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 भी बारिश की भेंट चढ़ सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि लेटेस्ट मौसम रिपोर्ट कर रही है। weather.com के मुताबिक मैच के दिन गा के बेहरा में बारिश होने की करीब 70% संभावना है। हालांकि मैच के समय इसकी कम आशंका है। मैच स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे, वहीं भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। उस समय संभावना कम होकर 23-34% रहने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि शाम तक वहां के मौसम में कुछ बदलाव होता है या नहीं। अभी तक मौसम विभाग के अनुसार मिल रही जानकारियों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा T20 मैच भी पूरा होना मुश्किल है। अगर मैच बारिश के कारण रद्द नहीं भी हुआ तो दर्शकों को एक छोटा मैच देखने को मिलेगा, जिसमें कम से कम 10-10 या 5-5 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। वैसे दोनों टीमों के फैंस यह मैच पूरा होने की उम्मीद कर रहे होंगे। लाल दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें।